एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। सर्दी की मौसम चल रही है और ढेर सारी डिसीज हमारे घर में बन रही है, तरह तरह की डिसीज बन रही है। सर्दी की मौसम में बाजरा खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजरा शरीर को गर्मी भी देता है, शरीर में हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो आज आपके किचन में मेरी माँ का हाथ का बाजरे की खिचड़ी, चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। पहले तो ये है नमक, नमक तो हर खिचड़ी में डलता है। और ये है बाजरा, इसे भिगो के मिक्सचर में थोड़ा सा क्रश किया है और क्रश करने के बाद उसे ऐसा बना दिया है। आप ध्यान से देखिए, ऐसा थोड़ी उसकी दाल जैसा कर दिया, उसे स्प्लिट कर दिया है। और ये है मूंग की दाल और थोड़े से एक चमची चावल दिए है इसमें, ये दोनों इकट्ठा है। ये हल्दी, ये है तज पत्ते, और इसमें ये तज पत्ते, जीरा और राई, और ये है साबुत मिर्च। इसको मेरी माँ बाजरे की खिचड़ी को जौंक रही है, आप ध्यान से देखना। अब इसमें थोड़ी सी हींग पड़ेगी, इसमें हमने बगैर घी का ली दिया है, घी के बगैर में साबुत मिर्च, जीरा, राई और तज पत्ता। अब इसमें हींग डल रही है, हींग डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला जा रहा है। कितना पानी डाला ये? 4 कप। ये 4 कप, 1 कप खिचड़ी में 4 कप पानी है, लेकिन उससे ज्यादा भी लगेगा। अगर आपको खिचड़ी ढीली चाहिए थोड़ी सी, तो आप ज्यादा पानी डाले, थोड़ा 5 या 5.5 कप डाले। लेकिन अगर आपको खिचड़ी में थोड़ी सी ढीली कम चाहिए तो 4 कप डाले। इसमें ये क्या डाल रहे हैं आप? हल्दी, ये हल्दी डाल रहे हैं। और ये नमक, नमक हमने 1 चम्मच डाला है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार डाले। अब पानी उबल जाएगा, जब पानी उबलेगा तब देखो, पानी उबलना शुरू हुआ है, और पानी जब उबलेगा तब इसमें ये हम डाल देंगे। अब क्या डाल रहे हो? क्या डाल रहे हो? हाँ, अब पानी उबलना शुरू हुआ है, अब ये डाले जा रहा है। हाँ, पानी जब उबलना शुरू हुआ तब हमने ये बाजरा, मूंग की दाल, चावल और मूंग की दाल इतना डाल दिया। अब गैस की 15-20 मिनट लगेगा, अगर हम प्रेशर कुकर में करते हैं तो उससे कम समय लगेगा, लेकिन हम तपेली में करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है। और अब क्या करेंगे, 10-15 मिनट बाद हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद बाजरे की खिचड़ी हम परोस देंगे। तो आइए, चलो बाजरे की खिचड़ी परोस, 15 मिनट हो गई है और बाजरे की खिचड़ी हमारी तैयार है। चलिए बाजरे की खिचड़ी, ये बाजरे की खिचड़ी में हमने घी डाला है और धनिया पत्ता डाला है। इसे हम छाछ, दही के साथ खा सकते हो, और इसे हम खास किसे सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, तली मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी आपको जिसके साथ पसंद है उसके साथ आप खा सकते हो, और आप अपनी तरीके से जो भी मसाला आपको पसंद है वो मसाले आप बनाइए।